जैसा कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, इस गर्मी का मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट इस मौसम में आपको ठंड के मजे जरूर दे सकता हूँ। चलो फिर एक नई कहानी शुरू करते हैं। भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग ब्लॉग। सो अपना प्लान बनता है, अपना मतलब कौन कौन, सब भी अनीता जो कि मेरे लास्ट ब्लॉग में भी देखी होंगी आपने, और कृतिका, आपको सबसे मिलाएंगी, रुको जरा। तो हमारा प्लान बनता है धनौल्टी जाने का और बर्फ देखने का। मेरे साथ सामान इतना सारा, बहुत सारा, तो भी वेट कर रहा है और हमारे दो तीन फ्रेंड है, तो लेट्स गो। ओह माय गॉड, ओह माय, हेलो हेलो, बताते हम तराजू पे मैं तोलू कैसे तेरी खामोशी में भरी पड़ी अभी कितने जख्म, कैसे नापू मैं तेरे मेरे ये फासले को मिटाने के लिए लेने कितने कदम। और फिर रुके हम अपने स्पॉट पे जहाँ पे हम पहले भी रुके थे, हम अपनी लोकेशन दोबारा आ रहे हैं, और वहाँ पे ब्लॉसम टाइप के फूल थे बट अब नहीं थे, तो यहाँ पे ब्लॉसम थे अब नहीं है। और हमने पी चाय और आगे बढ़े, नहीं अपना मास घूम रहा, और रास्ते के मैं ज्यादा शॉट ले नहीं पाया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था। खुद को ही छुपाते अमेजिंग व्लॉग। सो आज का हमारा प्लान है, हमें बर्फ ढूंढने जा रहे हैं धनौल्टी साइड, देखते हैं बर्फ मिलती है नहीं मिलती। तो हमारे साथ है वी हैव अनीता, कृतिका और सुधीर, आप दोनों जानते हैं इसको, सबको जानते हो, कृतिका नहीं है, बहुत पुराने हैं। और अब जरा मैंने थोड़ा अपने देखा है कि मैं जरा कैमरे से बात नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। और वैसे यहाँ दूर दूर से कोई नाम निशान नहीं है, बट आज बर्फ ढूंढेंगे। कृतिका पूरी वो बनी गई ट्रैवलर, अभी हमें ऊपर जा रहे हैं। अगर व्यूज चाहिए ना कि हम दिखा देंगे कि फाइंडिंग्स नो इन समवेयर वगैरह कुछ भी, पर दोस्तों आपसे दुख भर की। सो इसका फोन भयंकर है, अभी हम पहाड़ों पे चढ़े हैं एंड ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया है, बढ़िया सीन है भाई। अपनी गाड़ी भी दिखाओ, ठीक है, हाँ, एंड थोड़ा सा ये प्रॉपर व्लॉग होगा शायद। Baby, you're like lightning in a bottle. I can't let you go now that I've got it. All I need is to. अभी pause मत करियो। ये behind the scenes हैं। क्या-क्या struggle करना पड़ता है। What the hell this video? तो ये ऊपर फुल सेशन चल रहा है इनका, एंड फिर हमें आगे निकलना है। अब देखते हैं हमें बर्फ मिलती है कि नहीं मिलती है। ये main चीज़ उसी के लिए हम जा रहे हैं, बर्फ। और इस ब्लॉग का टाइटल भी यही होगा, फाइंडिंग स्नो। आज हम स्नो ही ढूंढेंगे, जब तक हमें मिलती नहीं हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलो गाइस, चले कृतिका, यस नाइस। सो अभी हम जस्ट रुके हैं, तो आगे आ गए हैं ऊपर, और यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ एक बार, लाइक जो आप देखोगे तो सच बिलीव नहीं करोगे। जी कैमरे में उतना दिख नहीं रहा, बट असली में बहुत प्यारा व्यू है, है ना नीता, व्यू के बारे में जो आप देख पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है ये, कसम से, बहुत मजा। बाबा वो देखो जरा, सब पैसे एक बार दोबारा बोल दो, सारे पैसे व्यूज के, सारे पैसे व्यू के हैं। क्या हमें बर्फ मिलेगी? क्वेश्चन। डेफिनेटली मिलेगी। मिलेगी क्या? सभी भाई आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल मिलेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं नमक का पैकेट लेने। क्या मतलब माउंट पे चढ़ना पड़ेगा? भाई लोकल से पूछ रहा है, हमें पता चला कि आगे बर्फ है, तो मिलेगी हमें। तब तक थोड़े से सो, तब तक थोड़े सिनेमैटिक एंजॉय करो। अब चलते हैं आगे। और
रुको रुको, अब आगे की कहानी सुनो। और हमें दिखने लगी थोड़ी थोड़ी बर्फ और हम फंस गए ट्रैफिक में, क्योंकि भैया वहाँ ट्रैफिक बहुत था। ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक में फंसे हैं तो हमें दिखते थे कि स्नो, बट हमें ज़्यादा स्नो चाहिए, हम आगे जा रहे हैं। और हम रुकते हैं आगे जहाँ पे एक लेक टाइप की थी, और सोचा इस बार की बर्फ जरा छू लें। थोड़ी सी बर्फ दिख चुकी है, अभी हम धनौल्टी में हैं तो हमें थोड़ी सी बर्फ दिख रही है। फाइनली अनीता, हमें थोड़ी बर्फ दिखी फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बर्फ दिखी। और हमारा प्लान बनता है कि वो ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है वो चढ़ी जाए, पता नहीं ऐसी प्लान कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइक पहाड़ टाइप का है, हम सिर्फ वो चढ़ते हैं, वो बाद में हम नहीं चढ़े। अनीता कुछ बताओ एक्सपीरियंस। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम मैं बर्फ देख चुकी हूं लाइक में, तो बहुत प्यारा है। इन्होंने बर्फ देखी नहीं है। मेरे पास है अनीता पे एक तेरी बर्फ, मैंने बर्फ नहीं छुई, मैंने लास्ट टाइम मैंने कब छुई। बस कर, फिर हम जाते हैं नीचे क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बर्फ थी। यहाँ घुस जाते क्या? अच्छा रास्ता है। और मैंने सोचा यहाँ से नीचे कूदूं, अगर मैं देखना पड़ेगा। हमारे पीछे बर्फ ही बर्फ है और मजा आ रहा है, हम यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो हम फोटो शूट कर रहे हैं, मस्ती तो हो गई। यहाँ पे उतनी स्नो है नहीं क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बर्फ लग रही है मुझे, आई गेस दो तीन दिन ये थोड़ी हार्ड है, वरना थोड़ी बर्फ जो है सॉफ्ट। अब आगे सुनो, बर्फ तो ठीक थी पर दिल मांगे मोर, दिल की बात तो माननी चाहिए ना। तो करते हैं फिर आगे जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक नई स्पॉट मिला जहाँ पे काफी बर्फ थी, मतलब हम जस्ट धनौल्टी से काफी आगे और सुरकंडे से काफी पीछे। सुरकंडे कितना होगा सुबह, पर जगह स्पॉट इज नाइस, अभी आपको दिखाता हूँ, बट देखते क्या बनता है ब्लॉग वगैरह। यहाँ चलते, दैट्स अ परफेक्ट स्पॉट, मी स्लाइडिंग इनटू योर डीएम्स। ये तो रॉ व्लॉग बनेगा, ओह बट बस मस्त बनेगा। यस यस, अब ट्रिप में से कर रहा हूं मैं। अरे रोबर राजू प्यार वेगे। तो अभी क्या हुआ, अभी अनीता यहाँ से नीचे गिर गई, बहुत गंदा वाला इशू करके। उसके बाद मैं बर्फ में बैठे हैं, मजा आ रहा है काफी। मेरी माजी भी तेरी हुई तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? Bye, it was fun. First time experience is such an amazing experience. Now, I truly love this place. I don't wanna go. Now finally, finding snow in. Artist, who is the artist? मेरा किस्मत हो गया। Flex मारो यार, आप कैसे flex मारेंगे? साफ भी करने पड़ेगा। स्पेंड करना चाहिए लाइक नेचर के बीच का भी, लाइक विदाउट कैमरा भी होना चाहिए। लाइक सब कुछ हम दिखा नहीं सकते अपने यूट्यूब में, मतलब कुछ थोड़ा पर्सनल होना चाहिए लाइक जो आप इन्जॉय कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी आप व्लॉग में इतना खो जाते हो आप जगह को इन्जॉय ही नहीं करते हो, क्योंकि अगर आपने इन्जॉय ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का।